Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1. अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन ए स्कूल. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर on the first, second, third and final day was respectively 1,094, 1,812, 2,050 and 2,751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. Students, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक स्कूल में एक एग्जीबिशन लगी हुई थी 4 डेज के लिए. जो काउंटर से टिकट सेल किए गए फर्स्ट डे में 1,094 थे, सेकंड डे में 1,812, थर्ड डे 2,050 एंड ऑन फाइनल डे इट वाज 2,751. You have to find total number of tickets sold on all 4 days. Solve करते हैं इसे. Number of tickets sold on first day is equal आपको given है 1,094. Number of tickets sold on second day is equal है 1,812. Number of tickets sold on third day is equal है 2,050. Number of tickets sold on fourth day is equal है 2,751. Then आपने total number find करना है. So write here number of tickets sold in 4 days is equal 1,094 plus 1,812 plus 2,050 plus 2,751. इन सब को आप अपने तरीके से solve कर ले, add कर ले. तो ये आंसर हो जाएगा 7,707 टिकट्स. क्वेश्चन टू. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स. हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. उसने अब तक 6,980 रन्स का स्कोर किया है टेस्ट मैचेस में. वह चाहता है 10,000 रन्स कंप्लीट करना. आपने फाइंड करना है कि उसे कितने और रन की जरूरत होगी जिससे कि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाए. सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ रन्स शेखर स्कोर इज इक्वल ये 6,980 है. Number of runs he want to complete is equal 10,000 है. More runs he need is equal हो जाएगा 10,000 minus 6,980. इनको आप अपने तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लें. आंसर हो जाएगा 3,020 runs. और फाइनल स्टेटमेंट रिटर्न करें. He needs 3,020 more runs to score 1,000 runs. Question 3. In an election, the successful candidate registered 577,500 votes and his nearest rival secured 348,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Hey students, यहाँ पर बोला गया है एक जगह इलेक्शन होता है, उसमें जो कैंडिडेट विन करता है वो 577,500 वोट्स फाइंड करता है और जो उसका नियरेस्ट प्रतिद्वंदी है वो 348,700 वोट्स पाता है. तो आपने बताना है कि कितने मार्जिन से विनर कैंडिडेट जीता, मींस उसको कितने ज्यादा वोट मिले.
इंस्टॉल करते हैं। नंबर ऑफ बोर्ड्स सिक्योर बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज इक्वल है ये 5,77,500। नंबर ऑफ बोर्ड सिक्योर बाय हिज राइवल्स इज इक्वल 3,48,700 वोट्स। मार्जिन बाय विच ही वोन द इलेक्शन इज इक्वल 5,77,500 माइनस 3,48,700। आप इनको अपने तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर हो जाएगा 2,28,800 वोट्स। एंड स्टेटमेंट आंसर डिपेंड करें सक्सेसफुल कैंडिडेट वन द इलेक्शन बाई 2,28,800 वोट्स। क्वेश्चन 4 हियर द बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक वर्थ रुपीज 4,768 इन सेकेंड वीक of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater by how much? Students, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कीर्ति का एक बुक स्टोर है उसने 2,85,891 रुपीज की जून के फर्स्ट वीक में बुक सेल की मंथ के सेकेंड वीक में 4,768 रुपीस की बुक सेल की तो उसने दोनों वीक्स में टोटल कितने कॉस्ट की बुक सेल कर ली। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच और उसकी सेल किस वीक में ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी। यस इसे सोल्व करते हैं। प्राइस ऑफ बुक सोल इन जून फर्स्ट वीक इज इक्वल 2,85,891 प्राइस ऑफ बुक सोल्ड जून सेकेंड वीक इज इक्वल रुपीज 4,768 नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ वीक टूगेदर इज इक्वल इन दोनों को एड कर लें तो ये हो गया 6,86,659। इसके बाद हम इन दोनों की कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वीक में तो 2,85,891 है एंड सेकंड वीक में 4 लाख है कि 2 लाख से 4 लाख इज ग्रेट है इसीलिए उसने सेकंड वीक में ज्यादा कॉस्ट की बुक सेल की। सो राइट हियर द सेल ऑफ बुक्स इज the highest in the second week. Difference in the sale in both weeks is equal 4,768 minus 2,85,891. आप इनको अपने तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लें और आंसर हो गया 1,14,877। स्टेटमेंट आंसर रिटर्न करें सेल इन द सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर बाई 1,14,877 देन इन द फर्स्ट वीक। क्वेश्चन 5 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द least 5 digit number that can be written using digit 6 2 7 4 3 each only once। Students यहाँ पर आपको ये digits दिए गए हैं 6 2 7 4 8 आपने इनसे बनने वाला greatest number और least number फाइंड करना है और उसके बाद उनका डिफरेंस निकालना है। रिटर्न करें
डिजिट्स गिवन आप ये है 6 2 7 4 3। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इन्हीं तीन डिजिट से बनने वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 76,432 होगा। एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर इन्हीं डिजिट से 23,467 होगा। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अब आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों नंबर्स को सबट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 52,965। रिटर्न करें, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 52,965। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल जाए। क्वेश्चन 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 स्क्रू इन अ डे, हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक मशीन एवरेज में 2,825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, मींस बनाती है, तो वो जनवरी 2006 में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने देखना है नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जेन कितने होंगे। आपको ये पता होगा जेन के मंथ में 31 डेज होते हैं। अब सेकंड जो आपको कंफ्यूजन होता है कि इसमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसे समझने के लिए आप शॉर्ट डिजिट के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो एक मशीन एक दिन में 20 स्क्रू ड्रॉ करती है तो 3 डेज में कितनी होगी, आपका आंसर 60 होगा। क्यों? कि आपने 20 × 3 = 60 फाइंड किया। मींस यहां से आपको पता हो गया कि इस सम में आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आपको ये पता हो गया कि इस सम में मल्टीप्लाई करना है तो सम तो आपके लिए बहुत ही इजी हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे इज इक्वल है 2,825. Since January month has 31 days, so write number of screws manufactured in January is equal 31 × 2,825. आप अपने तरीके से 2,825 में 31 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये 87,575 आंसर हो गया। एंड राइट, मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रू इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। क्वेश्चन 7, अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 each. How much money will remain with her after purchase? Students, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक merchant के पास में 78,592 रुपीस थे, lady merchant है, उसने 40 radios purchase करने का order दे दिया और हर एक radio की कीमत 1200 है। तो 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद में उसके पास कितने पैसे बचेंगे? सॉल्व करते हैं इसे। टोटल मनी द मर्चेंट हैड इज इक्वल 78,592, नंबर ऑफ रेडियो सेट्स सी परचेजिंग इज इक्वल है 40 रेडियो सेट, कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट इज इक्वल है 1200 रुपीस, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल 1200 × 40 इज इक्वल 48,000 हो जाएगा। मनी लेफ्ट विद मर्चेंट, यह फाइंड करना है कि मर्चेंट के पास में कितना मनी रिमेनिंग होगा। तो उसके पास 78,592 रुपीज थे
इसमें से आप 48,000 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आंसर हो जाएगा 30,592। एंड राइट द स्टेटमेंट आंसर। मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर परचेजिंग दी ट्यू सेट्स इज ₹30,592। क्वेश्चन 8। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टूडेंट को 7236 में 65 से मल्टीप्लाई करना था बट बाई मिस्टेक वह 65 के बजाय 56 का मल्टीप्लाई कर गया तो उसका रियल आंसर कितना ज्यादा था। तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली करें। सबसे पहले उसे मल्टीप्लाई करना था 7236 में 65 से। सो राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 7236 एंड 65 इज इक्वल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 4,70,340 एंड मल्टीपल्स ऑफ 7236 एंड 56। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 4,05,216। अब आपने फाइंड करना है कि रियल आंसर कितना ग्रेट था तो आप इन दोनों को सेपरेट कर लें और रिटर्न करें। डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल। आप इन्हें सेपरेट करें 4,70,340 माइनस 4,05,216। अब आप इन्हें प्रॉपरली अपने तरीके से सेपरेट कर लें तो आंसर हो गया 65,124। एंड दैट द स्टेटमेंट आंसर बाई 65,124 इज द आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9। टू स्टिच असर्ट 2 meter 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेस एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। स्टूडेंट्स एक शर्ट सिलने में 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीड होती है, 40 मीटर क्लॉथ से कितनी शर्ट बन जाएंगी और कितना कपड़ा रिमेनिंग होगा। यस सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल 4 meter। इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 40 × 100 इज इक्वल 4000 सेंटीमीटर हो गया। क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 shirt इज इक्वल 5 meter 15 सेंटीमीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 2 × 100 इज इक्वल 200 हो गया प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल 215 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिचेज आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर इज इक्वल 4000 डिवाइड बाई 215। आप इसे प्रॉपरली डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 18% हो जाएगा एंड 130 रिमेनिंग हो जाएगा। जो क्वेश्चन 18 आया है इट इज द नंबर ऑफ शर्ट। सो राइट द स्टेटमेंट number of shirt can be stitched is equal 18 and 1 meter 30 centimeter cloth is left. Question 10. A medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg. Weight of one box is equal 4 kg 500 gram is equal इसे convert कर लें gram में तो 4 into 1000 plus 500 हो गया is equal 4500. Maximum weight carried by the van is equal 800 kg into 1000 इज इक्वल 800 kg है। इसे ग्राम में कन्वर्ट करें
तो 800 इंटू 1000 इज इक्वल 8 लाख ग्राम। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन इज इक्वल आप 8 लाख वो डिवाइड करेंगे 4500 से, 20 से 20 शॉर्ट कर लें, उसके बाद 45 का डिवाइड करें तो ये 177 बॉक्सेज होगा और कुछ रिमाइंडर भी आएगा, बट यहाँ आपने नंबर ऑफ बॉक्सेज ही फाइंड करने हैं, सो ये आंसर रिटर्न कर दें और जो रिमेनिंग है उसे इग्नोर करें। क्वेश्चन 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक स्टूडेंट का घर स्कूल से 1 किलोमीटर 875 मीटर है, वो रोजाना अप और डाउन पैदल जाती है, तो 1 वीक में मीन 6 डे में, 7th डे संडे का ऑफ होता है, तो जो रिमेनिंग 6 डे हैं उनमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज इक्वल 1 किलोमीटर 875 मीटर इज इक्वल 1000 प्लस 875 मीटर। सिंस द स्टूडेंट वॉक्स बोथ वेज, क्योंकि वह स्टूडेंट दोनों साइड से पैदल चलती है, इसीलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे इज इक्वल 2 × 1875। आप इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 3750 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इन 6 डे, तो आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हो जाएगा 22500 मीटर। इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 22 किलोमीटर हो गया और 500 मीटर हो गया। राइट द स्टेटमेंट आंसर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज इज 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। क्वेश्चन 12, अब एजल has 4 liter and 500 meter of curd in how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? Students, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक बर्तन में 4 liter and 500 milliliter curd आता है, curd में दही होता है, एक ग्लास की कैपेसिटी 25 milliliter है, तो इस बर्तन से कितने ग्लास फिल किए जा सकते हैं। आंसर सॉल्व करते हैं, क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल इज इक्वल 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 4 × 1000 प्लस 500 होगा तो ये 4500 मिलीलीटर हो गया। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल 25 मिलीलीटर है। नंबर ऑफ ग्लासेस That can be filled with curd is equal 4500 divided by 25. इसे आप अपने तरीके से properly divide कर लें तो हो गया 180 हो गया। So right, hence 180 glasses can be filled with curd.